बीकानेर शहर में बड़ी ही शर्मनाक घटना, संभागीय आयुक्त पर निकाली तलवार, पुलिस भी रह गई हक्की बक्की। नमस्कार, मैं हूं सुमेश बिश्नोई और आप देख रही हैं ट्रिपल एस न्यूज। इस समय की बड़ी खबर बीकानेर शहर से, हम आपको बता दें, अतिक्रमण के तहत कब्जा हटाने के दौरान सर्वोदय बस्ती में कमिश्नर नीरज के पवन पर तलवार निकाल ली गई। दरअसल इस अतिक्रमण की शिकायत लंबे समय से मोहल्लेवासी करते आए हैं। पिछली बार दौरे पर बीकानेर आए प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया को इसी संबंध में शिकायत भी दी गई थी। कटारिया ने संभागीय आयुक्त को अतिक्रमण हटाकर रास्ता बनाने के निर्देश दिए थे। करीब 15-20 दिन पहले प्रशासन संबंधित मकान की दीवार पर लाल निशान लगाते हुए स्वयं ही अतिक्रमण हटा लेने की हिदायत दी गई थी, मगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया। आज नीरज के पवन अतिक्रमण हटाने गए, इस दौरान दीवार के दूसरी ओर से एक व्यक्ति ने तलवार लहराई, तलवार नीरज की ओर तानी गई। बताया जा रहा है कि पत्थर भी फेंके गए, एक कांस्टेबल व अन्य के मामूली चोटें भी लगी है। सूचना पर मुक्ता प्रसाद थाना अधिकारी में टीम भी मौके पर पहुंची। नीरज के पवन ने आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही है।